कुरुक्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार और उद्योगपति नवीन जिंदल से न्यूज 18 ने सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की है। नामांकन भरने के बाद सबसे पहले नवीन जिंदल ने न्यूज 18 पर हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। चुनाव चल रहा है और कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है उद्योगपति नवीन जिंदल जी को। उद्योगपति नवीन जिंदल जी हमारे साथ हैं, आज नामांकन भर करके और पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, पूरे चुनाव सिनेरियो के बारे में जानेंगे। आज नामांकन भरा है, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो है, आज बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने आकर के अपना आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, और सभी पहले साधु संतों ने दिया और पूरे जगह से जितने भी चाहने वाले थे सब लोग, पूरे पूरे नौ हलकों में से लोग आकर के, मैं समझता हूँ 50-60 हज़ार लोग जो है आज आए और रैली में आकर के सबने जो है अपना अपना आशीर्वाद दिया। नवीन जी, कैसे देखते हैं इलेक्शन को, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक हो गई है इस इलेक्शन के अंदर, जो एक दूसरे के खिलाफ होते थे आज दोनों इकट्ठे मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं आपके खिलाफ। देखिए, ये सब लोग समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये हमेशा तो इनका कुत्ता बिल्ली का बैर था, हमेशा एक दूसरे को ये बुराई कहते थे, भला तो कभी नहीं कहा। और आज जो है सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए वो सिर्फ एकजुट एक साथ आए हैं, तो इसलिए ये सिर्फ जो है सत्ता हथियाने के लिए साथ में आए हैं, इनकी कोई विचार कोई आपस में मिलते नहीं है। और लोग बाग इसलिए लोगों ने इनको नकार दिया है, लोग बाग इनको समझते हैं कि इनके पल्ले कुछ नहीं है, तो इसलिए लोगों को इनका, मुझे लगता है, कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अभय चौटाला भी हैं मैदान के अंदर, हैं उनका कैसे रोल देखते हैं आप? वो कह रहे हैं कि मैं तो दोनों को हरा दूंगा। देखिए, अभय चौटाला जी बड़े भाई हैं और अभय चौटाला जी भी बहुत वो मजबूत कैंडिडेट हैं अभय चौटाला जी, और उनका एक यहाँ पर उन्होंने काम भी किया हुआ है और सभी जगह उनके समर्थक भी हैं, तो इसलिए अभय चौटाला जी भी एक मजबूत कैंडिडेट हैं। कैसे देखते हैं, क्योंकि आपका एक लंबा सफर रहा है, क्योंकि कांग्रेस से आप यहीं से दो बार सांसद रहे, अब भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लोगों में कोई गुस्सा है, रोष है, या वही नवीन जिंदल की जैसे दो बार आशीर्वाद दिया वैसे ही देंगे? तो मुझे, मैं कहूंगा कि 90-95% लोगों ने तो ये कहा, जी अब आप ठीक जगह आ गए, आपने जो है बहुत अच्छा कदम उठाया। लेकिन कुछ लोग जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस में रहना चाहते हैं, उनको बहुत दुख भी हुआ, तो ऐसे भी 5-7% ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ये बोले कि जी हम तो बहुत रोए कि आप क्यों चले गए। तो मैंने कहा, मेरे लिए पार्टी से बड़ा देश है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा, उन्होंने हमें एक विकसित भारत का सपना दिखाया है, और मैं जब इतना बड़ा एक देश में क्रांति हो रही हो, मैं उसमें पीछे नहीं रहना चाहता, मैं लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं देश के लिए काम करना चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे ये जो मौका मिला है कि मैं लोगों के आके सेवा कर सकूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो फिर वो लोग भी इस बात को मानते हैं और वो लोग बोलते हैं कि जी हम आपके साथ हैं, हम जानते हैं कि आप लोगों की सेवा करना चाहते हो, और वो लोग जो है, इसलिए मुझे लोगों का मुझे बहुत समर्थन आशीर्वाद मिल रहा है। एक बड़े उद्योगपति के रूप में आपकी पहचान है, आप देश विदेशों में लगातार रहते हैं, अब जिस तरह से एक खेतों के अंदर उतरना पड़ा है, अब के आम आदमी से मिलते हैं, एक चाय वाले के पास जाते हैं, एक ढाबे वाले के पास बैठते हैं, कैसे लगता है जीवन में कि हाँ, पहले भी हालांकि दो बार आप एमपी रहे हैं और आपका पूरा राजनीतिक परिवार है, अब कैसा लगता है आपको, क्योंकि काफी साल से अब राजनीति दूर थे? तो देखिए, थोड़ी पिछले 5 सालों से प्रैक्टिस इसकी कम हो गई थी, और लेकिन अब जब दोबारा आ रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से मिलना, लोगों की बातें सुनना, लोगों की तकलीफों को जो है दूर करना, मुझे अच्छा लगता है। अब जो लोग दिखाते हैं कि देखो जी आपकी गोद में ये 25 साल पुरानी फोटो है, ये आदमी गोद में था, ये देखो जी आपके सामने, लोग ला के फोटो भी दिखाते हैं कि देखो जी हम बच्चे थे, आप हमारे स्कूल में आए थे, अब हम देखो जी अब उनकी दाढ़ी आई हुई है, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। लोगों से एक बहुत एक मजबूत रिश्ता है, एक पारिवारिक रिश्ता है, और ये बचपन से हमने देखा है अपने पिताजी को करते हुए, और पिताजी ये कहते थे कि लोगों के आशीर्वाद से परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों के काम आए, हम दिखाएं कि जब कोई व्यक्ति सेवा के भाव से राजनीति में आता है तो क्या कर सकता है। उधर गुरुग्राम लोकसभा सीट पर भी रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है, और यहां से जेजेपी उम्मीदवार राहुल यादव फाजिलपुरिया ने अपनी जीत का एक बार फिर से दावा किया है, कहा कि युवा ही बदलाव की लहर लेकर आएंगे। मेवात इलाके से भी
भरपूर समर्थन मुझे मिल रहा है। मेवात की जनता भोली है, उन्हें 20 साल तक खूब बेवकूफ बनाया गया। फाजिलपुरिया युवाओं के दम पर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं राव इंद्रजीत सिंह को लेकर तमाम सवाल खड़े करे कि 20 सालों में सिर्फ यहां की जनता को इस तरह के लोगों ने वोट लेकर बेवकूफ बनाया है। गुरुग्राम लोकसभा के साथ हमेशा से ही धोखा हुआ है, इस बार जनता जवाब दी। बहुत ही भोली भाली जनता है, वो तो अपने वो हक मांग रहे हैं जो एक आम आदमी के पास होने चाहिए, उनकी वो बड़ी रिक्वायरमेंट है। वो तो बस ये कह रहे हैं कि अच्छे रोड दे दो, साफ पानी दे दो, बच्चों को पढ़ाई दे दो, तो बीमार हो जाए तो अच्छे अस्पताल दे दो, आने जाने के लिए सुविधा दे दो, मेट्रो ट्रेन से ज्यादा तो उन्होंने कुछ मांगे नहीं। मैं उनको बताना चाहूंगा कि इंटरटेनमेंट करना भी कोई आसान काम है। दूसरी चीज, इंटरटेनमेंट के साथ साथ अगर आप समाज सेवा कर रहे हो, अपनी जनता को इंटरटेनमेंट के माध्यम से उनको खुश रख के समाज सेवा करके उनकी सेवा करें, तो इससे अच्छा काम क्या होगा। गुरुग्राम लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने राज बब्बर को लेकर कटाक्ष किया है। राज बब्बर को इस बार कांग्रेस ने टिकट दी है। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि फैसला लोगों को करना है कि उन्हें विकास चाहिए या फिर मनोरंजन। वहीं बीजेपी उम्मीदवार के विरोध पर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि आने वाले समय में विरोधियों को जवाब मिल जाएगा। जगह जगह बीजेपी उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है, इसको लेकर तमाम तरीके से सवालों का सामना भी बीजेपी नेताओं उम्मीदवारों को करना पड़ रहा है। तो लोगों ने फैसला करना है कि उनको मनोरंजन चाहिए या उनको काम चाहिए, और वो 24 तारीख को तय हो जाएगा। पैसेंजर ट्रेन का जो कॉरिडोर है, जो वायदा किया था, वो आज के दिन निभा रहे हैं, उसके ऊपर काम चल रहा है। भैया हथकंडन को आरसी क्या, 25 तारीख के बाद आप देख लीजिए क्या नतीजा निकलता है।